हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो आपको अगर पसंद आने शुरू हो जाए तो आपके जो है बेबी बॉय होगा। बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, हद से ज़्यादा चेंजेस, कुछ हमारे प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ने से, कुछ हमारे HCG बढ़ने से, कुछ हमारे मूड स्विंग होने से, कुछ हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स चलते रहते हैं बच्चे के भी, कि उसकी ग्रोथ के साथ साथ कि हम जो है अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस फेस करते हैं, हमारे चॉइसेस भी बदलती हैं, वही हमारे जो मूड होता है, जो हमारे अंदर हमारी भावनाएं होती हैं वो भी अलग तरीके से हम दर्शाने लग जाते हैं। तो इनमें से ये दो ऐसे चेंजेस हैं जो सिर्फ वही महिला बदलती है जब उसके बेबी बॉय कंसीव कर रखा होता है या जब उसके बेबी बॉय होने वाला होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि बेबी बॉय कैसे पता लगेगा और ये चेंजेस आपको कब से दिखने शुरू होंगे। तो ये चेंजेस आपको 3रे से 5वें महीने के अंदर शुरू हो जाएंगे। ये पसंद नापसंद आपको 3रे से 5वें महीने में आप इजीली देख पाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको पसंद आती है बॉय होने पर वो है आपको जो है खट्टा खाने का मन करता है। वैसे तो ये बात कही गई है कि खट्टा खाना है तो लड़का होगा, खट्टा खाना तो बच्चा होगा, बट ऐसा नहीं होता। खट्टा खाना जरूरी नहीं है कि आपको किसी भी बच्चे की बारी हो, बट ये बॉय के टाइम पे बहुत ज्यादा जनरल रहता है। आपको खट्टा खाने का मन करता है, आपको कड़वा खाने का मन करता है, आपको चटपटा खाने का मन करता है, बट आपने अगर लड़की कंसीव कर रखी होती है तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको अंदर से आप स्वीट टूथ हो, मतलब आप मीठा खाने का मन होता हो और आप प्रेगनेंसी में आते आते आपको एकदम से मीठा खाने का मन हट जाए और आप जो है खट्टे की तरफ ध्यान दे रहे हो, या फिर आपको कोई भी कच्ची कैरी, नींबू या फिर कुछ भी चटपटा खाने का मन कर रहा हो, तो आपका मतलब इसका मतलब होता है कि आपने बॉय कंसीव किया है। ये सबसे पहली चीज है जो प्रेगनेंसी के टाइम में एक महिला बहुत ज्यादा पसंद आती है अगर उसने बॉय कंसीव करा होता है। सेकंड है आपकी स्लीपिंग पोजीशन से देख के कैसे पता लगा सकते हो। देखो, सोने का तरीका हर बंदे का अलग अलग होता है, आप सब भी जानते होंगे। आप अगर प्रेगनेंसी के उस दौर में हो जब आपको नींद में अनकंफर्टेबल हो रहे हो, आप नींद नहीं ले पा रहे हो, बट ऐसी एक पोजीशन जरूर होती है जब हर एक बंदा उस पोजीशन में आते ही वो सो जाता है। वो क्या होती है कि जब आप होते हो अपने लेफ्ट साइड, जब आपने बॉय कंसीव कर रखा होता है आप इजीली लेफ्ट साइड सो पाते हो, वहीं अगर आपने गर्ल कंसीव करी होगी तो आप राइट साइड सोने का आपका जी करेगा। बॉय के बारे में आप क्योंकि बॉय ज्यादातर कहते हैं कि आपके लेफ्ट साइड स्टे करता है, बच्चा जो है बॉय पेट के राइट साइड होता है, तो माँ जो है ज्यादातर लेफ्ट साइड कंफर्टेबल रहती है। इससे बेनिफिट तो बहुत है क्योंकि बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, बच्चे तक खाना पहुंचेगा और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स होते हैं आपके हार्ट तक ब्लड पहुंचाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा होता है। तो ये चीजें जो है आपको बॉय के टाइम पे ज्यादातर देखने को मिलेगी कि आपका जो मन है वो लेफ्ट साइड सोने का करेगा और आपका जो खाने पीने में है वो आपको खट्टा चटपटा खाने का मन करेगा अपार्ट फ्रॉम मीठा। तो ये दोनों चेंजेस अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपको जो है बेबी बॉय ही होगा। तो अब ये थी आज की वीडियो। ऐसा कोई जेंडर प्रेडिक्शन का इस वीडियो का कोई एम नहीं है, तो आप प्लीज इसको दिल पे मत लेना। ये सिर्फ ऐसा फन वे में बनाई जाती है ताकि आप आने वाले बच्चों के हिसाब से उस अकॉर्डिंग ही प्लानिंग कर पाए। और अगर आपने बॉय कंसीव किया है तो आप शॉपिंग उस अकॉर्डिंग करें, वहीं गर्ल कंसीव करी है तो अपनी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग करें। तो चलिए, आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।